हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर, बाड़मेर में पेट्रोल पंप सुबह 6 बजे से रहेंगे बंद, नहीं मिलेगा पेट्रोल व डीजल। बाड़मेर जिला पेट्रोलियम संघर्ष समिति के आह्वान पर जिले के सभी पेट्रोल पंप सोमवार से बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप संचालक रेट घटाने, बायो डीजल बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि सोमवार सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। दरअसल जिला पेट्रोलियम संघर्ष समिति बीते कई महीनों से प्रशासन को ज्ञापन के मार्फत चेता रही है कि जिले में जगह जगह बायो डीजल की अवैध रूप से बिक्री होने से पेट्रोल पंप पर तेल की बिक्री 50-80% कम हो गई है। इससे पेट्रोल पंप संचालकों का व्यापार ठप हो रहा है। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि अवैध व नकली बायो डीजल पर्यावरण की दृष्टि से बहुत हानिकारक है एवं हमेशा आगजनी का खतरा बना रहता है। जिले के करीब 200 पेट्रोल पंप हैं। ये सभी पंप सोमवार से हड़ताल पर रहेंगे। रैन बसेरा के सामने वाला पेट्रोल पंप संचालक संपत राज जैन का कहना है कि रोजाना तेल के भाव बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की जेब पर भार पड़ता जा रहा है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। जिले में अवैध बायो डीजल से हमारी बिक्री 20% ही रह गई है। बाड़मेर शहर के मुख्य चौराहों पर अवैध व नकली बायो डीजल बेच रहे हैं। इस पर प्रशासन का कोई अंकुश नहीं है। गुजरात व हरियाणा में पेट्रोल व डीजल 9-10 रुपए सस्ता है। अनिश्चितकालीन हड़ताल में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड गाड़ियों में डीजल भरा जाएगा। जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालक सोमवार सुबह 6 बजे से सामूहिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। पीजी कॉलेज के सामने वाले पेट्रोल पंप संचालक पंकज का कहना है कि अवैध व नकली बायो डीजल को लेकर हमने जिला प्रशासन को कई बार शिकायतें की, लेकिन प्रशासन द्वारा इस पर एक्शन नहीं लिया गया है। ये है प्रमुख मांगे। राज्य में पेट्रोल डीजल पर वेट दरें पंजाब हरियाणा राज्य के समान करने, रोड सेस कर समाप्त करने, राज्य में एक समान विक्रय मूल्य लागू करने, बायो डीजल अवैध बिक्री तुरंत प्रभाव से बंद करने की मांग को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। जागरूक टीवी की बाड़मेर से खास रिपोर्ट।